तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा जी, और मैंने पापा को मारा था, मैंने पापा को पकड़ा और दे दिया। हाय सर, व्हाट्स अप? हाय ईशान। ईशान, ईशान राज। यस ईशान, आप ड्रैग क्वीन है लिखा हुआ आपके ब्रैकेट में। या आई प्ले द फेमिनिन कैरेक्टर्स इन टेलीविजन इंडस्ट्री। रियली? या सुपर्ब मैन। मेरे को दिखा कुछ फोटो वोटो। हाँ बिल्कुल, फोन तो बैग में एग्जैक्ट। कोई बात नहीं, मेरे पास है, बहुत तगड़ा फोन है। क्या नाम करूँ? ईशान राज। दैट्स यू? या। या मैं? यस सर। सो ईशान, हाउ डज इट वर्क, एक्सप्लेन टू मी कि हम आपको कैसे एड्रेस करें? शुड वी एड्रेस यू एज मेल और फीमेल? एज अ मेल, आई एम अ स्ट्रेट गाय। यू आर स्ट्रेट एंड यू आर मेल? यस सर। ओह दैट्स 100%। कुछ करके दिखाएंगे आप, जो आपका फेवरेट हो, जिस पे आपने किया हो, जिसमें okay. लड़की बने हैं। कुछ युद्ध तो बहुत वीरों ने लड़े होंगे, लेकिन आज वो समय आ गया है जिसके लिए मानेकशॉ के सपूतों ने जन्म लिया। अच्छा, जन्म लिया था तो तुम्हारी तलवारें क्या कहती हैं साथियों? आओ आओ और कर देते हमने शत्रु को लहू से लाल। ए लाल करेगा तू, लाल करेगा तू, जानते हैं मेरे को मैं कौन है? जमुना देवी है मेरा नाम, जमुना देवी। थैंक यू। I actually thought that was very good. मुझे तो अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। It's good. और actually आप costume में नहीं हो, मगर जब आपने character switch किए, तो मुझे लगा कि आपका character बदल गया। I could actually sense that. Thank you so much. ईशान। Yes ma'am. गुस्सा बहुत चढ़ता है? चढ़ता है तो चढ़ता है। कहाँ से stem होता है ये गुस्सा? Like मेरा जब first relation था, और मुझे समझ नहीं आता था कि उसको कैसे चलाना है। लाइक वो अगर बातें छुपाती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, तो मैं कई बार इग्नोर मारता था क्योंकि मैं उससे बहुत बड़ा था, 7-8 साल बड़ा हूं मैं उससे, और शी वॉज माइनर दैट टाइम, तो मुझे गुस्सा आता था, मैंने उसको मारा भी। क्या? आई हिट हर, आई हिट हर। लड़की कितने साल की थी? शी वॉज 16+। ओके, सो शी इज अ माइनर। तुम कितने साल के थे? 25। क्यों मारा? बिना बताए किसी से मिल रही थी, मैंने उससे पूछा कि मतलब ऐसा है, आराम से बहुत प्यार से बच्चे की तरह पूछा, कुछ नहीं, 2-4 दिन चला, 1 महीना चला, उसके बाद वो छुपाने लगी कुछ और बातें भी, तो मुझे गलत लगा, मैंने उसको बोला मैं तुझे मारूंगा, मारना नहीं चाहता था, मारूंगा, बट तू उसे नेगेटिव सेंस में मत लियो। तुमने क्या कहा? जस्ट रिपीट दैट। मैं तुम्हें एक स्लैप करूंगा, बट उसे नेगेटिव सेंस में मत लेना। तो क्यों करेगा? क्योंकि हाँ, तो क्यों करेगा, मतलब अगर तेरे को चाहे नेगेटिव सेंस में लेना ही नहीं है इसको, तू कह रहा है नेगेटिव सेंस इसलिए क्योंकि ये मत सोचो कि मैं तेरे अगेंस्ट हूँ या तेरे को किसी चीज के लिए रोक रहा हूँ। नहीं पर, क्यों मारेगा उसको? सुधारने के लिए या फिर रफ्तार? क्योंकि मैं इमैच्योर था। अच्छा लड़का है यार, परमिशन लेके मार रहा है, उसके बाद बताओ। हाँ जी, आप सोच भी नहीं सकते, मैंने एक हॉल मतलब रूम था घर पे, मैंने मारा ना, दीवारों से आवाज आई थी, लेकिन दिल से बोल रहा हूँ आज हम अलग हो गए हैं, बट आज जो कुछ भी हूँ उसी लड़की की वजह से। तो एक तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा जी, और मैंने पापा को मारा था। पापा को क्यों मारा? पापा को हाँ, उसका भी एक बहुत बड़ा सॉलिड रीजन है, मेरे पापा एडिक्ट हैं अल्कोहल के, स्टार्टिंग से हम देखते थे पापा मम्मी को मार रहे हैं, जब मैं 18 का हुआ मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि मुझे लॉ एंड ऑर्डर पता थे, मेरे अब डिसीजन ले सकता हूँ लाइफ की, अगर मेरी मम्मी के साथ कुछ हो रहा है तो मैं उसको रोक सकता हूँ, मैंने पापा को पकड़ा और दे दिया। वो लड़की के लिए लॉ एंड ऑर्डर भूल गया था तू? किस लड़की के लिए? जिसको तूने थप्पड़ मारा था, जहां दीवारें गूंज रही थी। वो तेरे से 10 साल छोटी है। पहले की बात है। पहले की बात है क्या? लॉ एंड ऑर्डर बदल गया तेरा? वो पहले की बात है, मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट
18 साल का था जब बाप को मारा था, 24 साल का था जब गर्लफ्रेंड को मारा था, वो पहले की बात कैसे हुई? 6 साल का फर्क है। चौबीस साल में तेरे को ये पता है कि बाप को मारना है, तुझे ये नहीं पता कि लड़की को नहीं मारना? और भाई मैं इजाजत लेना चाहूंगा, देख मैं तेरे खिलाफ अभी जो भी करूंगा जी, प्लीज उसे नेगेटिव वे में मत नहीं लूंगा मैं। और मैं तुझे हक करके इतनी जोर के चांटा मारूंगा, पर तू रिस्पेक्ट करियो क्योंकि मैं चाहता हूँ तू आगे लाइफ में अच्छा करे, तू सुधरे, हम चाहते हैं तू सुधरे। आर यू इमैच्योर? मैं बहुत इमैच्योर हूं, बहुत इमैच्योर है, हम तो तुक्के में बैठ गए यहां पे यार। मैं चाहता हूं कि मैं तेरे दो तीन रख रख के दूं, ठीक है? अगर इससे मेरे को सीखने को मिलता है, अगर आपको लगता है कि आप बड़े, नहीं नहीं उससे हम सीखेंगे, उसके बाद हम मैच्योर होंगे ना उससे, नहीं उसके बाद तू जाके बोलना ना कि आज मैं जो हूँ प्रिंस की वजह से हूँ। एक चांटा खा ले उसके बाद हम हक कर देंगे। मैं रिलेशनशिप में कच्चा था, मुझे नहीं इस बारे में पता था क्या होता है रिलेशनशिप, क्या होता है नहीं पता था, अब पता है। पर होता क्या है? पता है, लिबर्टी शुड बी देयर, फ्रीडम देनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं करना कि लड़की को हर्ट हो या किसी लड़के को हर्ट हो। दिल से बोल रहा हूँ जो यहाँ पर है ना सर। प्रिंस पाजी छोड़ के आ रहा हूँ। हाँ, हाँ? प्लीज चला, ये भी ले ले यार, इसको संभाल के रख प्लीज। चौबीस में इसको नहीं पता था, पर 18 में लॉ एंड ऑर्डर समझ आ गया था।